आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष बोदरिया। चलिए शुरुआत करते हैं यूपी की खबरों से। बिजनौर थाना क्षेत्र के पास दो दिन पहले सड़क दुर्घटना में एक रिक्शा चालक की मौत हो गई थी। मृतक ई रिक्शा चालक थाना बिजनौर क्षेत्र के नूर नगर बदरसा इलाके का रहने वाला है। मृतक के परिजनों से मिलने के लिए सरोजनी नगर विधायिका व बाल विकास मंत्री स्वाति सिंह पहुंची। मंत्री स्वाति सिंह ने मृतक के परिजनों को आर्थिक मदद का आश्वासन दिया। मृतक के बच्चों को 25,000 प्रति माह, निराश्रित महिला को 1,000 प्रति माह सहायता देने का भरोसा दिलाया। मंत्री स्वाति सिंह के साथ SDM सरोजनी नगर, SP कृष्णानगर भी मौजूद रहे। CSP कृष्णानगर व बिजनौर थाना प्रभारी ने 10,000 रुपए मृतक के परिजनों को फौरन मदद करने के लिए दिया। फरीदाबाद से होकर गुजरने वाले निर्माणाधीन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनाने के लिए खोदे गए गड्ढे अब लोगों की जान का दुश्मन बने हुए हैं। बता दें, अपने काम से घर जा रहे दो युवक इस खुले गड्ढों का शिकार हो गए और अपनी जान गंवा बैठे। गड्ढे में पुल के पिलर बनाने के लोहे की सरिया लगाए हुए थे, जिन पर गिरने से लोहे के सरिया युवक के शरीर के आर पार हो गए और उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक दोनों युवक उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर के रहने वाले थे। फिलहाल पुलिस ने मृतक युवकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। फिलहाल जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम क्या था सर? दोबारा। जगत सिंह बेस्ट। जगत सिंह, दो बाइक सवार लोगों की खड्डे में गिरने के कारण मौत हुई है। कौन लोग हैं और कहां से कहां ये जा रहे थे? ये ऑफिस से सीधे अपने रूम पे आ रहे थे। जी सर। ये कहां काम करते हैं? नाम क्या ऑफिस का? कैफे कॉफी डे के वेयर हाउस में काम करते हैं। इनके क्या नाम है? आलोक गुप्ता और ज्योत प्रकाश। ये रहने वाले कहाँ के हैं? कानपुर के। इनका रूम कहाँ है यहाँ पे? 31 में। ये पूरा मामला ऐसा है जी, पल्ला पुल से और बल्लभगढ़ की तरफ जो रास्ते चलते हैं तो वहाँ पे काम चल रहा है अपना हाईवे का, एक्सप्रेस हाईवे जो बना, और उस हाईवे में काफ़ी पहले ही बैरिकेटिंग की हुई है। उस पर लिखा भी हुआ है कि आगे गहरा खड्डा है, काम का कार्य चल रहा है। और उन्होंने क्या किया है कि वो बैरिकेड तोड़ के रात में और मोटरसाइकिल सहित गड्ढे में जा गिरे वहाँ सरिया, और उसकी वजह से लगने उनके जो लगी। बुलंदशहर के राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ताओं ने पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। पूर्व विधायक गजेंद्र चौधरी के आवास पर जन्मदिन मनाने के लिए सैकड़ों की तादाद में रालौद के कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी। आज जयंत चौधरी कार्यकर्ताओं ने केक काटकर जन्मदिन मनाया। इस दौरान जयंत चौधरी की दीर्घायु के लिए हवन भी किया गया। कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दिखाई दी। आज राष्ट्रीय लोकदल के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी का 43वां जन्म दिवस है और हम सब लोग उनका जन्मदिन धूमधाम से मना रहे हैं। और जन्मदिन मनाने का अर्थ है कि हम लोगों को सपना दिख रहा है किसान के लिए, मजदूर के लिए, नौजवान बेरोजगार के लिए, व्यापारी के लिए, कि वो सपना हमें जयंत जी के माध्यम से नजर आ रहा है। जयंत चौधरी, खुशहाली आएगी, तरक्की आएगी, किसान को उनका हक मिलेगा, मजदूर को उसकी मजदूरी का काम मिलेगा और शिक्षित नौजवान बेरोजगार को रोजगार मिलेगा और व्यापारी को सुरक्षा मिलेगी। वर्तमान की सरकार जो आज भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश और केंद्र में चल रही है, आज पूरा देश और प्रदेश आज त्राही त्राही मचा रहा है, चाहे किसान हो, नौजवान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो। और आज जयंत चौधरी जी और अखिलेश यादव जी का गठबंधन सिर्फ एक हमें आस नजर आ रहा है और पूरे प्रदेश की जनता, 36 की 36 बरादरी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, आज सब एक उम्मीद करके बैठे हैं कि जब गठबंधन की सरकार बने। सिद्धार्थनगर में आज मुख्यालय स्थित ड्रेनेज खंड के कर्मचारी कार्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। हिचाई संघ के बैनर तले इस धरने में कई कर्मचारी शामिल हुए और अपनी मांगों को लेकर एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद किया। इनकी प्रमुख मांगे सिंचपालों की संख्या बढ़ाने व कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने को लेकर थे। इसके अलावा बढ़ाए गए मासिक भत्ता नहीं दिया जाना भी इसमें शामिल है।
वहीं जिला अध्यक्ष राजेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि कर्मचारियों की कमी व कार्यों की अधिकता मुख्य समस्या है और दिन प्रतिदिन कर्मचारियों कम होते चले जा रहे हैं, जिसके वर्कलोड बढ़ता जा रहा है। एक सिच पर्यवेक्षक के पास तीन तीन चार चार चौकियां हैं। अमानत का कार्य है, सर्वे का कार्य है, ऑफिस का कार्य है, अन्य भी कार्य करने पड़ रहे हैं। 19 सिचपालों की सापेक्ष में एक सिच सर्वेक्षक एक सिचपाल कार्यरत है। अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या समस्या है? समस्या सर जी, कर्मचारियों की कमी और कार्यों की अधिकता, और दिन प्रतिदिन कर्मचारी कम होते चले जा रहे हैं, जिससे वर्कलोड बढ़ता चला जा रहा है। एक एक सीट पर्यवेक्षक के पास तीन तीन चार चार चौकियां हैं। अमानत का कार्य है, ऑफिस का कार्य है, सर्वे का कार्य है, इसके साथ साथ अन्य भी कार्य करने पड़ रहे हैं। बता दें आपसे, हम 19 सीटपाल के सापेक्ष केवल एक सीट पर्यवेक्षक एक सीटपाल कार्यरत है, और 9 सीट पर्यवेक्षक में 5 सीट पर्यवेक्षक कार्यरत है। और बता दें आपसे, हम इसी को लेते हुए एक सीट पर्यवेक्षक हमारे गंडक संगठन में मुख्यमंत्री गंडक के कार्यालय में संबद्ध है, वेतन यहाँ से ले रहे हैं। शाहजहां के जलालाबाद विधानसभा में होने वाले भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा सम्मेलन के आयोजन को लेकर पैरोमंडल अध्यक्ष करुण सागर शर्मा सहित सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित होकर सम्मेलन में पहुंचे। मंडल अध्यक्ष पैरोर करुण सागर शर्मा ने कहा कि जब पिछड़ा वर्ग आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। विपक्षी दलों के पिछड़ों का इस्तेमाल वोट बैंक के रूप में किया है। भाजपा ने पिछड़ों की सत्ता में भागीदारी दी है। इसी के साथ केंद्र और प्रदेश सरकार पिछड़ों को मजबूत करने के संकल्प के साथ काम कर रही है। केंद्र और प्रदेश सरकार ने ओबीसी मोर्चा को मजबूत करने के लिए इस वर्ग सत्ता में भागीदार बनकर मजबूत किया है। पीएम मोदी और सीएम योगी पिछड़ा वर्ग के मुख्य धारा में लाने का काम किया है। कार्यक्रम में मौजूद जिला अध्यक्ष हरि प्रकाश वर्मा सहित तमाम भाजपा नेतागण मौजूद रहे। पुलिस की उदासीनता और लापरवाही के चलते शाहजहांपुर जिले का एक परिवार दबंगों और दबंगई के चलते पलायन करने को मजबूर है। दबंग जमीन पर कब्जा करना चाह रहे हैं। बुजुर्ग महिला ने पहले थाना अध्यक्ष से गुहार लगाई, जब कोई निस्तारण नहीं निकला तो एसएसपी ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। महिला अपनी जमीन पाने के लिए इधर उधर भटक रही है। परेशान पीड़ित पर महिला ने बताया कि दबंगों ने पहले पति और बेटे को जमीन पर कब्जा करने के लिए हत्या कर दी, जिसके बाद डराया धमकाकर उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया। घर से बेघर होने के बाद पूरे परिवार ने मजबूरन पलायन कर लिया है। पुलिस ऑफिस में क्यों आई हो, क्या समस्या है? हमारी खेत की समस्या है, हमारे आदमी मार डालो, लड़का मार डालो, हम चक्कर काट रहे हैं। एक महीना हमारे खेत में पानी लगन, सर कौन नहीं लगाने दे रहा, क्यों पानी नहीं दे रहा? खतरे ना लगाने दे, कहीं डब्बू वहीं चेयरमैन को भाई यहीं और आरोपी यहीं जो हत्या आरोपी यहीं जो ना लगाने दे। अच्छा, ये बताओ कि तुमने वहाँ मिर्जापुर में रहती थी, अब जलालाबाद क्यों रहने लगी आके? पलायन करने से भागी आए तो लड़का रहे। खबर चंदौली से है। जनपद के बिछिया धरना स्थल से प्राथमिक शिक्षा संघ के अपने विभिन्न मांगों को लेकर धरना स्थल पर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि शिक्षक संघ की मांगों में पुरानी पेंशन योजना तत्काल बहाल की जाए, सभी राज्यों में कार्यरत संविदा शिक्षक स्थानीयकरण किया जाए। प्राथमिक शिक्षक संघ चंदौली में बिछिया धरना स्थल पर धरना दिया। वहीं शिक्षक संघ के जिला महामंत्री मनोज कुमार पांडे ने बताया कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो बड़ा आंदोलन करने के लिए प्रादेशिक प्राथमिक शिक्षक संघ बाध्य होगा। इस दौरान उमेश तिवारी, नियाज अहमद, अजय सिंह, संजय सिंह, शक्ति सिंह, मदन तिवारी, अभिषेक पाठक, राकेश पांडे आदि शिक्षकगण धरना स्थल पर मौजूद रहे। मनोज कुमार पांडे, जिला मंत्री, प्राथमिक शिक्षक संघ संबद्ध अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक। आप लोग आज धरने पर बैठे हैं, क्या है मामला? जी, हम लोग जो है, हमारा अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ जो पूरे देश में 30 लाख शिक्षकों का एकमात्र संवैधानिक संगठन है, आज पूरे देश में प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर आज जो है पुरानी पेंशन सहित 16 सूत्र की मांगों को लेकर के हम लोग धरने पर बैठे थे। इससे पहले भी आप लोगों ने धरना दिया था, सुनवाई नहीं हुई थी जी, और फिर दोबारा दे रहे हैं। इससे तो पहले हम लोग 4 अक्टूबर 2021 को हम लोग जो कि धरना दिए थे और उस पर अभी सुनवाई नहीं हुई, और सरकार से इसी बात का हम लोगों का आक्रोश और खेद है
कि सरकार अपने आप को कहती है कि हम केंद्र में भी बहुत मजबूत है और राज्य में भी बहुत मजबूत है। आपकी मजबूती का मतलब क्या, जब आपके कर्मचारी नाखुश हैं और उनकी आप मांग नहीं पूरी कर सकते तो आपकी मजबूती। शाहजहांपुर के कलान से ड्यूटी के दौरान बाइक से जा रहे सिपाही की अज्ञात वाहन के टक्कर हो गई। इस टक्कर में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पुलिस पहुंची, गंभीर हालत में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने हालत गंभीर देखते हुए बरेली रेफर कर दिया, जहां उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। वहीं परिजनों की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में हड़कंप हो गया, मच गया। वहीं थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि सिपाही सरकारी दस्तावेज लेकर एटा जा रहे थे, इसी दौरान हादसा हो गया और उनकी मौत हो गई। सोनभद्र के बीजपुर थाना क्षेत्र के पास सिरसोती गांव में कोयला ढोने वाली ट्रेन की चपेट में आकर एक महिला की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार महिला ने अपनी खाना खाने के बाद अपने परिवार वालों के साथ सो गई थी और अगले दिन महिला का शव रेलवे लाइन के पास मिला। शव को देखने के बाद गेटमैन ने CISF और उच्च अधिकारियों को घटना की जानकारी दी। इस मामले में प्रभारी निरीक्षक SSP सिंह ने बताया कि दुर्घटना की बात सामने आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद भी आगे की कार्रवाई की जाएगी। आगरा के थाना बा क्षेत्र में खेत की मेड़ के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई है। इस मारपीट में दो पक्षों के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। झगड़े और मारपीट की सूचना पर पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए हुए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मैनपुरी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें, पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन में सफलता हासिल हुई है। मुखबिर की सूचना मिली कि ट्रक कटफोरी की तरफ से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आ रहा था, जिसमें मादक पदार्थ भारी मात्रा में है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 11 बोरियों में 5 क्विंटल 87 किलो अवैध गांजा को बरामद किया गया है। ट्रक, मोबाइल फोन 1100 रुपये को बरामद किए हैं। अवैध गांजे के साथ पुलिस ने तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए तस्कर से पुलिस ने पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि आगे भी नशा तस्करों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जनपद की सर्वलांस टीम और साथ में करहल पुलिस, इसके द्वारा जो एक्सप्रेसवे है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, इस पर जरिए सर्विलांस सूचना मिली थी कि एक गांजे की बड़ी खेप जो कि उड़ीसा से स्मगल करके आ रही है, उस पर टीम रात में सक्रिय हुई थी और टीम के द्वारा ट्रैक किया गया और एक ट्रक जिस पर कबाड़ लदा हुआ था, कबाड़ के भीतर में गांजा की बोरियां लदी हुई थी, उसको ट्रैक किया गया और फिर बाद में करहल पर उसको देखा गया। तो कुल मिलाकर के 5 क्विंटल 86 किलो 900 ग्राम गांजा, ये बड़ी रिकवरी है इसको। और साथ में 2 अभियुक्त इसमें अतर सिंह और सत्येंद्र सिंह, दोनों कन्नौज के रहने वाले हैं। साथ में गाड़ी मालिक जो है ये अलीगढ़ का रहने वाला है। बरामद गांजा की सर मार्केट में कीमत क्या होगी? मार्केट कीमत लगभग ये 40 लाख से ऊपर की है और अभी अन्य स्रोत जहां पर इसको सप्लाई होना है उसको हम लोग पुनः आगे पूछताछ करेंगे, इनको कस्टडी रिमांड पर लेकर। औरैया में पुलिस की SOG टीम और थाना दिव्यापुर पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। संयुक्त टीमों के प्रतियोगी परीक्षाओं में मुन्ना भाइयों का खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि यह गैंग विभिन्न राज्यों में आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में अपने काम पूरा करते थे। टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इलेक्ट्रॉनिक व मैनुअल सूचना के आधार पर सॉल्वर गैंग के रूप में अभियुक्त की गिरफ्तारी की है, जिसका जमा तलाशी में 4 लैपटॉप, 2 डेस्कटॉप मॉनिटर, 1 CPU और 1 ATM स्वाइप मशीन, 20 फर्जी आधार कार्ड, 2 ओवर मार्कशीट, 2 फर्जी एडमिट कार्ड, 10 मोबाइल, 8 आईफोन मोबाइल बरामद किए गए हैं। नाम है वो, जैसे जैसे पुलिस को पता चलेगा कि ये लोग किस तरीके से संलिप्त थे, तो जो भी इसमें
संलिप्तता जिसकी भी पाई जाएगी उन सबके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सर, क्या पूछताछ में ये भी जानकारी हो पाई कि कितने और परीक्षाओं में लोगों की सहभागिता रही है? जैसा मैंने बताया है कि राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, और यहाँ पर यूपी टेट के साथ साथ जो पेट परीक्षा होती है जिसके थ्रू लेखपाल भर्ती में जो काम आती है उस परीक्षा में भी ये लोग बैठते थे। साथ में इनके पास से और कुछ ऐसे एडमिट कार्ड बरामद हुए हैं अन एग्जामिनेशन के, उसके बारे में इनके मोबाइल को चेक करके, लैपटॉप को चेक करके जो भी अन्य परीक्षा है जिसमें अन्य कैंडिडेट बैठे होंगे उन सबको पकड़ा गया। नाम है तो इस बुलेटिन में बस आज इतना ही। हमारे साथ बने रहने, प्राइम टीवी साथ बने रहिए, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।